देखिए क्वेश्चन नंबर 23, विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीनों में से। हम जानते हैं कि किसी एक पीरियड में एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब जब हम बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जाते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। आप देखते हो इस तरह से जब हम पहुंचते हैं पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे समूह यानी 17वें समूह में, जब पहुंचते हैं 18वां समूह तो इनर्ट गैस है, वो कोई क्रिया करता ही नहीं है। 17वें समूह में सबसे ऊपर कौन है, फ्लोरीन, उसके नीचे है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस तरह से। तो सबसे ऊपर है फ्लोरीन, जो जो हम बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जाते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, फ्लोरीन, पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है। फिर ऊपर से नीचे की ओर जब हम जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, फ्लोरीन है। ये विकल्प ए ट्रू है। 24वां देखिए, विच इज ट्रू फॉर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स माने आइसोटोप्स, ऐसे दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक ऐसे परमाणु एक दूसरे के आइसोटोप्स या समस्थानिक कहलाते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि आपने बारह सुना H11, H12, H13, ये क्या है, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है, C12, C6, C6 12, C6 13, C6 14, ये कार्बन के तीन क्या है, समस्थानिक है, आइसोटोप्स है। क्लोरीन के दो समस्थानिक है, Cl17, 35, Cl17, 38। अब आप थोड़ा और इसमें जाने कि इन आइसोटोप्स में क्या होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो समान क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज माने इनके अणुभार, जैसे ऊपरी वाले गिनती देख रहे हो, इसका परमाणु भार 35, इसका भिन्न भिन्न हो गया, इसका परमाणु भार 1, इसका 2, इसका 3, भिन्न भिन्न है। लेकिन ये तो इनके क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ये गलत होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट ये सही है, भिन्न भिन्न होते हैं डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो ये सीएल 17 का मतलब 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन भी इसमें है, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसमें C6 12, नीचे वाली गिनती बताती है प्रोटॉनों की संख्या, और जितने प्रोटॉन होते हैं किसी उदासीन परमाणु में न्यूट्रल एलिमेंट में उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए, तो ये डिफरेंस कर रहा है, तो ये गलत हो गया। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा कह रहा है सी एंड बी बोथ ट्रू है, तो ये गलत हो गया, यानी नन ऑफ दीज, फिर डी सही है, नन ऑफ दीज एक भी नहीं सही है, फिजिकल इनमें से कोई भी नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट ये तो सही है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर होना चाहिए। देखो तो किताब में कहा दिया, गलत तो नहीं लिख के, अगर सिमिलर होता तब तो ए एंड बी बहुत सही होते, इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो गलत हो गया, और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये गलत हो गया, ए एंड बी तो ए सत्य, ए एंड बी सत्य, तो सत्य नहीं है, ए सत्य है बी गलत है, ना ना नहीं, हाँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज गलत हो गया, तो ना आप दी ये हो गया है, नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज ट्रू है,
हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी तो ट्रू है, तो एक टू ट्रू है ना, ये गलत हो गया, तब क्या करेंगे? ये जो कह रहा है एंड बी बोथ ट्रू, चूज बी। हाँ तो बी सही है, सही का बी सही है यही, तो ये बी वाला सही है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी भिन्न भिन्न है, बस यही सही है। आगे आइए पच्चीसवां, व्हाट आर एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकन। आप सुन चुके हो कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ प्लेसेस छोड़ दिए थे वैकेंट, कुछ स्थानों को उन्होंने खाली छोड़ दिया था, और उसके बारे में उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि ये तत्व बाद में खोजा जाएगा और इसका गुण यही होगा, पहले तो उन्होंने बता दिया, तो सच्चाई भी यही हुई कि ये बाद में तत्व खोजे गए और उनके गुण यही थे। तो उन्होंने कहा यका सिलिकन, तीन तत्वों को उन्होंने बताया, यका बोरान, एका बोरान, एका बोरान, और दूसरा होता है एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, तीसरा एका सिलिकन। बाद में इनकी खोज हुई तो एका बोरान की जगह पे स्कैंडियम आया, SC21 स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम की जगह पर आया गैलियम, गैलियम GA31, और एका सिलिकन की जगह पर जर्मेनियम GE32। ये याद रखिए। तो अब इसमें कह रहा है व्हाट आर एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकन, तो एका एल्यूमिनियम क्या है, एका एल्यूमिनियम इज गैलियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम है, क्या है ये गैलियम, और एका सिलिकन है जर्मेनियम, ये बी इज करेक्ट, ये गैलियम एंड जर्मेनियम। आइए 26, प्रॉपर सीक्वेंस, उचित क्रम, सीक्वेंस माने क्रम, क्या उचित क्रम क्या है, प्रॉपर माने उचित या सही, क्रम क्या आप एटमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या का, परमाणु त्रिज्या का सही क्रम क्या है, इसके बारे में देखिए, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम के बारे में, ये चार तत्व है, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब अगर आप याद किए हो समूह के तत्वों के नाम, तभी उत्तर दे पाओगे। हम जानते हैं क्या ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरह से रटिए, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, एटमिक रेडियाई गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम कह रहा है, चाहे बढ़ता हुआ क्रम चाहे घटता हुआ क्रम लिखिए, क्रम में लिखिए। तो इसमें सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी है, रुबिडियम, ये है रुबिडियम है, सीजियम नहीं है ना, इसमें आना ही है, तो क्या करेंगे, ये सीजियम भी तो है, सीजियम है ना, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम इसमें है, ये है सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, ये सीजियम, ठीक है, सबसे बड़ा सीजियम होना चाहिए, बी वाला, तो ये बी वाला है, ये सीएस है, सी नहीं, सीएस इज ग्रेटर देन आरबी है, रुबिडियम, रुबिडियम, ये है क्या हो गया, ये पोटेशियम है, है पोटेशियम, फिर यह लिथियम, तो यह बी करेक्ट है, सबसे बड़ा कौन है, सीजियम है, उसके बाद छोटा रुबिडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर लिथियम है, तो यह बी इज करेक्ट, इसको इस तरह देख करके उसी से मिलान कीजिए। सत्ताईसवां देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन, प्रिपेयर, प्रिपेयर मैंने तैयार कीजिए, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक रेडियस इज, परमाणु त्रिज्या का
परमाणु त्रिज्या का उचित क्रम है, परमाणु त्रिज्या का उचित क्रम। अब उचित क्रम का तो चाहे बढ़ता हुआ लिखो चाहे घटता हुआ क्रम, दोनों में से कोई। अब फिर क्या कह रहा है देखिए, लिथियम बेरिलियम बोरान कैसे आप इसको हल करोगे, आप इस तरह से आप क्षति देखोगे, Li3 लिथियम, B4 बेरिलियम, B5 बोरान, C6 कार्बन, N7 नाइट्रोजन, O8 ऑक्सीजन, F9 क्लोरीन, N10 नियान, इस तरह से याद करना पड़ेगा और थोड़ी को तभी इसका जवाब दे पाओगे। अब देख रहे हो किसी एक आवर्त में, इसको आवर्त या पीरियड कहते हैं, इन एनी पीरियड, इन ए फिक्स्ड पीरियड, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर हम जाते हैं, परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। ये परमाणु त्रिज्या का घटने का क्रम है, सबसे बड़ी लिथियम की, उससे छोटी बेरिलियम की, उससे छोटी बोरान की, उससे छोटी स्ट्रोंथियम, ये छोटा होता चला जाता है। एक को दिया हुआ इसमें देखो, पहला है लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन, यही तो ठीक दिखाई पा रहा है, ये इज करेक्ट। लिथियम का सबसे बड़ा है, उससे छोटा बेरिलियम है, उससे छोटा बोरान है, उससे छोटा कार्बन है, तो ये बी इज ए इज करेक्ट।